गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, दिस इज मोहम्मद मोहसिन फ्रॉम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में अगर हम सिर्फ बात इंस्ट्रूमेंट की करेंगे यहाँ पर, तो अ टूल और डिवाइस फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ वर्क कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। ऐसा कोई टूल और डिवाइस जो किसी पर्टिकुलर काम को करने के काम आए, उसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट। और इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो है अ डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस म्यूजिक। ऐसी कोई डिवाइस जो म्यूजिक को प्रोड्यूस करे, उसको क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट। जैसे गिटार जो है वो म्यूजिक को प्रोड्यूस करती है, तो उसको क्या बोलेंगे? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और अ डिवाइस दैट मेजर समथिंग, ऐसी कोई डिवाइस जो किसी क्वांटिटी को मेजर करने के काम आए, उसको क्या बोलेंगे? इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की तीन डेफिनेशन दी हुई हैं, जिस जगह पे जो काम में आए वो हम उसको यूज़ करेंगे। तो देखते हैं इसके एग्जांपल्स। अब हम बात करने जा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसी क्वांटिटी को मेजर करे। तो अमीटर, इंस्ट्रूमेंट कौन है? अमीटर। और वो किस क्वांटिटी को मेजर कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। अगर हमें इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना है तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे? अमीटर। दूसरे नंबर पे है बैरोमीटर। बैरोमीटर किस क्वांटिटी को मेजर कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्वांटिटी को मेजर करना है तो हम बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे। अब तीसरे नंबर पे है पायरोमीटर। पायरोमीटर जो है टेम्परेचर ऑफ बॉडी, बॉडी का अगर टेम्परेचर हमें मेजर करना है तो हम पायरोमीटर का यूज़ करेंगे। चौथे नंबर पे है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर डेंसिटी ऑफ लिक्विड को मेजर करने के काम आता है। पेरिस्कोप व्यू ऑब्जेक्ट एबव सी लेवल। यहाँ पर सी की स्पेलिंग शायद गलत है, तो मैं यहाँ सही कर देता हूँ, S-E-A। मान लो हम समुंदर के अंदर हैं और हमें बाहर का व्यू देखना है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में कई तरीके के एंगल्स होते हैं जिनकी वजह से हमें समुंदर के अंदर बाहर का किसी भी एरिया का हम देख सकते हैं। हाइग्रोमीटर किस काम में आता है? ह्यूमिडिटी इन एयर। अगर हमें एयर की ह्यूमिडिटी मेजर करना हो तो हाइग्रोमीटर का यूज़ करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी बाकी रह गई हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।